हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी इस बज रहे हैं 11:53 हो रहे हैं रात के, और हम लोग, मैंने आपको कहा था ना, घूमने जा रहे हैं। तो पहले हम जयपुर जा रहे थे, फिर अजमेर जा रहे थे, और अब एक जगह जा रहे हैं जहाँ हम शादी के बाद गए थे, उसके बाद नहीं गए। तो मेरा एकदम से मन किया कि वहीं चल रहे हैं, और देखो तैयार हो गए हम लोग। काशू भी तैयार हो गई, काशू को मम्मी भी तैयार हो गई। क्या, हाँ कहाँ है वो काशी? काशी आप घूमने जा रहे हो? पारी करो पापा को, पापा को पारी करो। अच्छा मेरा बेटा पारी कर दे। सामने देखो ठंडी ठंडी, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, दिल्ली में भी बहुत ठंड हो रही है, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो एक्सट्रीमली ठंड है, इससे भी ज़्यादा ठंड है। तो इसलिए मतलब अभी तो मैंने सिर्फ ये हुडी पहनी है, इसके अंदर एक टी शर्ट है, क्योंकि गाड़ी में बैठना है। और बाकी देखो जैकेट वैकेट सब रख दिए, काशू का रख दे भाई, तो काशू के ना सब रखते हैं। एक कैप भी रख दे काशू की। काशू फौजी वाली कैप पहनोगे आप? चल पहन रखे ना, ठीक है, अच्छी बात है। एक ये मेरी फौजी वाली रख दी ना, क्या जो भी है रख ले। और मेरी जीन्स रखी हुई तो उसके बेल्ट भी तो रख दे, ठीक है। ये जो कैमरा है वो चार्जिंग पे लगा रखा है, पावर बैंक चार्जिंग पे लगा रखा है, और बाकी लैपटॉप वगैरह ले जा रहा हूँ, कैमरा वगैरह सब ये है रख दे, जो भी रखना है इसका रख दे, उठा ले। चलो फटाफट चल रहे हैं। गाड़ी की चाबी, गाड़ी की चाबी जेब में, पर्स रख लिया, घड़ी रख ली। रास्ते में खाने के लिए कुछ चाहिए काशू? क्या क्या खाओगे काशू आप? ये अपने पास रखना, कोई बात नहीं, यहीं पर ही होगी। देख वो रही ना खाली, वो रख ले। तो गाइस पहले मैं सामान रखता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको गाड़ी में बैठ के। तो भैया हम लोग बैठ गए गाड़ी में, फिलहाल निकल पड़े हैं यहाँ से। और मुझे बस एक केमिस्ट से ना वो लेनी है स्ट्रेप्सिल्स। यहाँ पे केमिस्ट है जो 24/7 मिलता होता है, उससे स्ट्रेप्सिल्स ले लूँ बस। तो भाई इसमें से स्ट्रेप्सिल्स ले लिए, और विक्स भी ले लिए, 1 रुपये खुला नहीं था भाई पे, तो फट चलते हैं फटाफट। फिलहाल CNG भरवा लेते हैं, और इसमें CNG आई है 450, 450 की CNG आई है। CNG भरवा के देखते हैं, ये इतने देर को लग रहा है कि वहाँ तक पहुँच जाएगी, अपने हरिद्वार तक तो पहुँच जाएगी। 200 किलोमीटर जब लोकल दे रही है, तो हरिद्वार प्लस ऋषिकेश तक पहुँचनी चाहिए, बट मैं हरिद्वार में भराऊंगा फिलहाल। तो वापस से जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, CNG भरा दी है, 450 रुपये की CNG फुल हुई है, और देखो फुल टैंक है। मुझे लगता है ये ना 200-250 किलोमीटर चलनी चाहिए ये, तो ये बिना AC के है, और फुल वो है हाईवे पे चलेंगे, तो मैं 80-90 की स्पीड जो है वो मेंटेन करके रखूँगा इसमें। रोड देखो बिल्कुल खाली है, इसीलिए मुझे वीकडेज पे ट्रैवल करना पसंद है, क्योंकि रोड जो होते हैं ना बिल्कुल खाली रहते हैं, मतलब ये लगा लो हार्डली कोई गाड़ी दिख रही होगी। देख रहे हो आगे तक पूरी रोड खाली है, और पीछे भी ऐसी है, पीछे भी हमारा खाली चल रहा है भाई। बहुत देर बाद ये एक गाड़ी गई है आगे ओवरटेक करके हमें, बहुत ही देर बाद। सामने वाली रोड पे तो फिर भी ट्रक ट्रक दिख रहे हैं, हमारे रोड पे तो कोई आ ही नहीं रहा। इस रोड पे देख रहे हो कुछ नहीं है, एक वो आगे गाड़ी गई है बस, नीरे सुनसान रोड़े पड़ी है बस बिल्कुल। आज कौन सी डेट है? आज मंगलवार है ना, मतलब बुधवार हो गया है, वेडनेसडे हो गया है, तो वीकडेज पे जो है तभी बढ़िया लगता है मुझे चलना। तो भाई यहाँ पे रुका था थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, बट लेकिन ढंग का कुछ है नहीं, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ इस शॉप से ले ले कुछ खाने के लिए यार, मतलब भूख तो लग रही है हल्की फुल्की, पर मेरा ना चिप्स विप्स खाने का मन नहीं है, मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये चिप्स ना, सफ़र में चिप्स विप्स खाना, मेरे को फ्रूट्स खाना ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा ऐसा कुछ। एक बार ट्रैक्टर से ज़रा फोटो और खिंचवा लो यार, अपनी वाइफ को बोलता हूँ बाहर आके एक फ़ोटो खींच दे ट्रैक्टर से। टाइम जो है ना अभी, वो वाइफ जो है वॉशरूम गई है, 2:07 हो गए, और काशू यहाँ पे सो रही है आराम से, पीछे वाली सीट पे आराम से बैठी के सो रही है, मतलब लेट के आराम से सो रही है, कंबल लेके आए थे हम इसका मस्त। और मैं यहाँ गाड़ी में बैठा हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ, आएगी उसका 2-4 फोटो खींच के फिर निकलेंगे। यहाँ पे खाने का ऐसा कुछ है नहीं, मेरा पता है क्या मन कर रहा है, मैंने कहा फ्रेंच फ्राइज़ पूछे तो फ्रेंच फ्राइज़ तो नहीं थे, तो ना कुछ ऐसा कुछ खाने का मन कर रहा है कि मैं गाड़ी में ले लूँ और गाड़ी में चलते चलते खा लूँ, तो वैसा कुछ था नहीं। थोड़ी देर ले रुके थे, सुर्री निकल गई इसकी, ठंड ठंड करके बाहर वापस आ गई, बहुत ठंडा है लेकिन, बहुत ही ठंडा। ओ भाई साहब अब धुंध भी आ गई, इससे तो खाली पड़ा है पूरा, ये देखो धुंध हो गई अब, और बढ़िया अपना चल रहे हैं। और लाइक लास्ट टाइम धुंध देखो कितने भाई साहब, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है, कुछ नहीं दिख रहा, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं भाई साहब, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी। अरे व्हाइट लाइट का नहीं बड़ा पंगा है, व्हाइट लाइट वैसे ही नहीं काट पाती कोहरे को यार, बड़ा केयरफुली चलाना पड़ रहा है भाई, कुछ आगे आ जाए कुछ।
जहाँ एक खुला एरिया जहाँ पे होगा वहाँ धुंध रहेगी, जैसे ही कुछ रिहायशी इलाके आ जाएगा तो फिर बस सीधे हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, कोई गाड़ी भी नहीं रास्ते में कि भाई उसके पीछे भी चल रहे, एक पीछे आ तो रही है इसी को जाने, तो आगे इसकी येलो लाइट है आगे नहीं आ रहा, वो भी तो आगे नहीं आ रहा, देखो बगल में से आगे नहीं आ रहा, पीछे पीछे चल रहा है वो भी मेरे। ओ भाई साहब कितना धुंध है यार, कुछ नहीं दिख रहा भाई, ये देखो भाई तू यहाँ कैमरा पकड़ ले, मैं तो धीरे चला लूँ 20 की स्पीड। कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, आराम आराम चलाते रहो बस यही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। दिक्कत साला गाड़ी वाला भी देखिए मेरे पीछे हो गया, आगे ही नहीं आ रहा जबकि उसकी येलो लाइट है। तो भाई ये दोनों आगे निकल गए ज़्यादा तेज़ी में, वो आगे वाला और तेज़ी में निकला है, अब इनके पीछे पीछे हो लेंगे हम भी। देख रेजिडेंशियल एरिया आगे ना मकान आगे साइडों में गाड़ी है, देख स्पीड बढ़ा लो आगे फिर से वो निकल जाएगा। अरे नहीं निकलना, अरे खाली हो गया, खाली हो गया तो देख दोबारा आ गया फोन, देखा तो तेरी पागल के बच्चे कैसे तेजी में आ रहा है, ये देखियो पागल का बच्चा तेजी में आ रहा, पीछे देखियो ये वाला, अरे अरे मैं नहीं चला रहा कसम से भाई, मैं साइड में खड़ी कर दूंगा अभी देख लियो। ओ भाई तो धुंध भी ऐसी लग रही है कोई आ गया एकदम से, गाड़ी वाड़ी होगी तो कोई मेरे आगे आगे भी तो नहीं आ रहा, गाड़ी वाले देखिए मेरे पीछे लगे हुए सारे, आगे आ जा भाई, भाई 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 कुछ नहीं दिख रहा, कुछ चलाओ धीरे चलाओ, तेज चलूं धीरे धीरे चलाओ भाई। गणपति पे रुके थे कुछ खाने के इसमें, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है कुछ, तो एक नमकीन का पैकेट लिया बस खट्टा मीठा वाली, और अब वापस चल रहे। ठंडी बहुत हो रही है यार, गजब ही ठंडी हो रही है, आइसक्रीम खाएगी मजा आ जाएगा, आइसक्रीम खाएगी ठंडी में तो ये लाया भाई हरिद्वार पहुंच चुके हैं, टाइम हो गया 3:51 और धुंध बहुत ज्यादा है, और धुंध के चक्कर में मुझे लग रहा है कहीं जो CNG का पंप है वो ही ना निकल जाए, अभी मैंने सर्च किया है कितना दिखा रहा है 15 अभी आगे दिखा रहा है ना हाँ, बट लेकिन धुंध इतनी आता है तो दिखेगा ही नहीं, आसपास का तो कुछ दिख नहीं रहा, मतलब लाइटें वाइटें भी जो दिख रही है ना जो जल रही है जहाँ पे वो भी नहीं दिख रहा, दिख रही है देख जैसे ना, तो मुझे डर है कि निकल ना जाए, तो इसलिए हमने GPS लगा दिया। हरिद्वार पहुँच गए भाई, और हरिद्वार में दोबारा CNG भरवा रहे हैं, पैसे तो बचा था, एक पॉइंट और बचा था इसमें, 200 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और बचा था, मतलब मेरे को लग रहा है 50 किलोमीटर और चल जाती, 250 के आसपास चल जाती है, अब यहाँ भरवा रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी महंगी भी है बट उसके बाद भी, और बाहर देखो बहुत ही ज़्यादा गजब धुंध है भाई, और काशू मेरी गोदी में है, सो जा मेरे बेटा सो जा। मैं तो गाड़ी साइड में लगा के सो गया था, टाइम हो गया 8:10 और अब दोबारा से स्टार्ट कर दिया, सूरज देखो बढ़िया एकदम मस्त सूरज दिख रहा सामने, और पहाड़ आ चुके हैं, पहाड़ वगैरह पहले भी आ गए थे, मैं गाड़ी साइड में लगा के सो गया आराम से, मैंने कहा भाई सो जाता हूँ, और अब दोबारा जल्दी स्टार्ट कर दिए, और मेरे को लग रहा 3-4 में हम लोग पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। हे तेरे कोई मुखड़ी, हे तेरे प्यारी मुखड़ी, ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे, हे तेर कोई मुखड़ी, हे तेर प्यारी मुखड़ी, हे तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे, आँख में काजल नख न धुली भली लगी रे, आँख में काजल नख न धुली भली लगी रे, हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे, हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे,